हेलो स्टूडेंट, दिस इज आफ्टर इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एस एकेडमी। और आप लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे ये चैप्टर नंबर 2 था, यह हम लोगों ने स्टार्ट करवा दिया था चैप्टर नंबर 2। और इसकी हमारी 1, 2, 3, 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे वीडियो नंबर 4। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आर टाइम। ठीक है, तो अब हम लोगों को आज कौन सा टॉपिक करना था? आज हम लोगों को टॉपिक जो करना था वो पीएच के बारे में करना था। ठीक है, तो पीएच कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलरेडी ज़्यादातर चैप्टर हो चुका है, हम आधे चैप्टर तक आ चुके हैं। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, कहाँ से, यहाँ से। ये वाला जो टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है पीएच का एवरीडे लाइफ के अंदर। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? क्या पौधे जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो हाँ, इसका आंसर हाँ ठीक है, कि हमारी बॉडी जो है वो काम करती है जब वो पीएच रेंज, हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल्स की बॉडी है, ये वर्क करती है 7 से 7.8 के बीच में। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, यानी कि जो तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, हमारी बॉडी सर्वाइव तभी कर पाएगी जब वो इस रेंज के बीच में ही होगी। ठीक है, पीएच जो होता है रेन वाटर का, वो होता है 5.6 से कम होता है हमारा पीएच। जब भी रेन वाटर का पीएच जो है 5.6 से कम हो जाता है, उसको हम एसिड रेन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हम बोलते हैं ना, ये बारिश जो है वो एसिड वाली है, एसिड रेन हो रही है। इट मीन्स द पीएच जो है उसका वाटर का, वो जो है वो 5.6 से कम है, इसीलिए हम उसको एसिड रेन बोलते हैं। और जब ये एसिड रेन क्या करती है, रिवर्स में फ्लो करती है, तो ये क्या करती है, रिवर वाटर का पीएच भी क्या कर देती है, कम कर देती है। इसके वजह से क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ का जो सर्वाइवल है रिवर्स वगैरह के अंदर, वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, कितना अच्छे से इसको एक्सप्लेन इस बुक में कर रखा है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पर पहुंचते हैं कि नेक्स्ट में क्या बता रखा है। फर्स्ट हो गया, सेकंड जो है वो आपका क्या है, देखो सेकंड जो है वो पूछा गया है कि सॉइल का जो पीएच होता है बैकयार्ड के अंदर, उसके बारे में। तो देखो, प्लांट्स को पता है कि एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, पीएच जो एक प्लांट को रिक्वायर्ड होता है, हमें उसी बेसिस पर चलना पड़ता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक्टिविटी वगैरह बोल रखी है कि आप कलेक्ट करिए सॉइल बहुत सारी जगहों से और उसका पीएच चेक करिए। ठीक है, फिर उसको नोट डाउन करिए, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, क्योंकि डिफरेंट जो सॉइल होती है उसका डिफरेंट पीएच होता है, तो यहाँ पर इसलिए उसके बारे में इतना कुछ नहीं दे रखा डीप, तो ये इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता। कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं होता आपका, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, ये वाला टॉपिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है आपका पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पीएच है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये वाला। ये भी इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर, क्योंकि हमारे एसिडिटी वगैरह जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर जो होता है, वो इसी बेसिस को लेकर होता है। तो इसके अंदर लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है ये नोट करना, कि हमारा स्टमक भी क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। और वो कौन सा एसिड होता है, वो होता है HCl, जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है। ये क्यों रिलीज होता है, क्योंकि इससे हेल्प होती है डाइजेशन होने में खाने की, विदाउट हार्मिंग द स्टमक। स्टमक को वो हार्म नहीं करता कि HCl है तो हार्म करेगा, हार्म नहीं करता, बस डाइजेशन के अंदर मदद करता है। जब इनडाइजेशन हो जाती है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, तो स्टमक क्या करता है, बहुत सारा एसिड रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे दर्द और इरिटेशन जैसी समस्याएं होने लगती है। इससे हमें रिड ऑफ, यानी कि इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बेसिस जिसका नाम है एंटा एसिड। हम कहते हैं ना, एंटा एसिड यूज कर लीजिए, एंटा एसिड लाइक इनो, जो हमारे इनो यूज करते हैं, ये सारी चीजें जो होती है आपके जो गैस्ट्रिक जो वो होते हैं आपके सीरप्स वगैरह, आप उसको प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो एंटा एसिड होता है, उसमें बेस होता है, और एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो आप लोगों को पता ही है क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द बॉडी एंड सॉल्ट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द बॉडी। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसी जो रेमेडी होती है वो सजेस्ट की जाती है आपको,
ठीक है, एंटा एसिड जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस सॉल्ट को, जो कि क्या है मिल्क और मैग्नीशिया, जो कि एक माइल्ड बेस है और यूज़ किया जाता है इसी पर्पज़ के लिए। तो डाइजेशन जो है हमारे पीएच जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला है डाइजेस्टिव वाला, फिर वो वाला जो आपको अभी मैंने बताया हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी वर्क करती है 7 से 7.6 के बीच में पीएच के लिए वो वाला, ठीक है। उसके बाद टूथ डिके आया है, टूथ डिके भी देख लेते हैं। देखो टूथ डिके का क्या है काम, वेट, हाँ तो सॉरी, तो ये वाला देखो टूथ जो डिके है वो स्टार्ट होता है, मतलब दांत का खराब होना जो होता है दंत श्रेय जिसे कहते हैं वो शुरू हो जाता है जब हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है। क्लियर हुआ। टूथ इनेबल होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये क्या होता है पानी के अंदर नहीं घुलता, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होने लगता है कोरोड होने लगता है जब इसका पीएच जो है मुंह का 5.5 से कम होने लगता है, तो ये धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर जो कि प्रोड्यूस करते हैं एसिड खाने को खराब करके, फूड मटेरियल्स को खराब करके, इस तरीके से। बेस्ट वे जो है इससे निजात पाने के लिए वो मुंह को साफ करा जाए खाने के बाद, ठीक है, ताकि वो एसिड प्रोड्यूस ही ना कर पाए बैक्टीरिया। और इसको इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि जनरली बेसिक होता है और टीथ को साफ करने के लिए करता है, जिसकी वजह से एसिड अगर हो न्यूट्रलाइज कर दे उसको और टूथ जो है वो डिके होने से प्रिवेंट हो जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पीएच इसके अंदर। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेल्फ डिफेंस, यानी कि जो सेल्फ डिफेंस एनिमल के द्वारा किया जाता है और प्लांट्स के द्वारा किया जाता है केमिकल वारफेयर से, यानी कि केमिकली द्वारा किया जाता है। जैसे कि हनी बी जो होती है वो डंक मार देती है, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करती है। तो बी स्टिंग जो है वो लीव्स एंड एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ती है, वो क्या करती है डंक मार देती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो इंसान को पेन और इरिटेशन होती है और वो बच जाती है। तो इसी तरीके से अपनी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी क्या करते हैं एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं केमिकल वगैरह का प्रयोग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं इसको बेकिंग सोडा वगैरह जो होते हैं उससे अगर हम उस पर डंक वगैरह जो लगा होता है उस पर लगा लेते हैं तो इससे भी क्या हो जाता है आपको रिलीफ मिल जाता है। फिर उसके बाद लिखा है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनॉइक एंड कॉजिंग बर्निंग पेन। ऐसे ही बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं जिसको खुजली वगैरह हो जाती है उसको लगा देते हैं, उससे भी क्या होता है एक बर्निंग जैसा हो जाता है। क्लियर। उसके बाद आगे हम इसको करते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया, सेल्फ डिफेंस भी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला जो टॉपिक है ये इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, अच्छा है ये वाला टॉपिक। सम नेचुरली अकरिंग एसिड कौन कौन से, तो विनेगर सिरका जो होता है उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, टेमराइंड जो होती है इमली उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, टमाटर यानी कि टोमेटो में ऑक्सलिक एसिड होता है, सोन मिल्क जो होता है खट्टा जो दूध होता है यानी कि दही की बात कर रहे हैं वो लैक्टिक एसिड होता है, ऐसे ही नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, चींटी के जो स्टिंग होती है उसके अंदर भी क्या होता है मिथेनोइक एसिड और नेटल स्टिंग के अंदर भी मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये पेपर के अंदर पूछ सकते हैं, वन वर्ड के अंदर पूछ सकते हैं और ये आपको अपनी नॉलेज के लिए तो आना ही चाहिए कि किसके अंदर कौन सा एसिड होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही इसको करेंगे, आगे जो मोर अबाउट सॉल्ट्स है उसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे और उसको एक ही वीडियो के अंदर समराइज करके ख़त्म करेंगे, अगर नहीं होता तो उसके दो पार्ट बना लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे पीएच को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डे टू डे लाइफ के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी प्रिपेयर फॉर द पीएच, ठीक है। इंपॉर्टेंस जो है इसके वो बहुत ही इंपॉर्टेंस जो है पीएच के वो हकीकत में इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, स्किप ना करें, ड्यूरेशन जो होता है वो एक एक चीज़ देखें, स्किप ना करें। छोटी वीडियो इसीलिए ड्यूरेशन की बनाई जा रही है कि आप लोग उसको आसानी से 20-20 30-30 मिनट के अंदर देख लें, एक एक तो 3-3 4-4 घंटे की एक ही चैप्टर की बना दें तो आप लोग उसको प्रेफर नहीं करेंगे, इसीलिए शॉर्ट एक दिन में एक एक वीडियो लाई जा रही है आपके ही फेवर के लिए। और फिर क्या करेंगे, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना है, ठीक है, और वीडियोस को लाइक भी करना है आप लोगों को, सारी वीडियोस को लाइक करना है आपको, ठीक है। तब तक के लिए वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, थैंक यू।